सबके लिए बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर शायद हमारी लाइफ में अनडू बटन होता या एक दिन डिलीट कर सकते काश, क्योंकि अगर शूटिंग नहीं होती थी तो दीपू और हम कभी जिम में मिल जाते थे, कभी हम यहाँ वॉक करते हुए मिल जाते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव करना ही बहुत मुश्किल है। बस भगवान से बहुत यही बोलूँगी, दिस इज़ सो अनफेयर, उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। और उसका बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, ऐसी जो चला जाता है वो तो फिर भी मुक्त हो जाता है सारी दुनियादारी से, बट जो पीछे रह गया अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो जस्ट दीपू, उनको ब्लेस करना, मैं यही बोलूँगी, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को ब्लेस करना, एंड जस्ट जहाँ भी हो सुख से हो और शांति से हो। यकीन मानिएगा कि अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि दीपेश भाई हमारे बीच नहीं रहे। परसों भी जब शमशान घाट से वापस जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी और का अंतिम संस्कार करके आए। अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है, मतलब जहनो गुमान में बस दीपेश भाई हैं, और पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है, क्योंकि कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये बड़ा दर्द और तकलीफ़ देने वाली बात है। देखिए, ये तो हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना रही है। भाभी जी घर पर एक लोगों के साथ तो बहुत बड़ा ही सदमा है, क्योंकि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर वो था, और वो जो टीका मलखान टिल्लू की तिकड़ी थी उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य वो था, उसका जाना एक खालीपन छोड़ गया है। अब कैसे हम उन सीन्स को संभालेंगे जो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, कैसे क्या होगा, किस तरह से कहानियों में चेंजेस लाए जाएंगे, कैसे हम सेट पे जाकर उन स्थितियों को फेस करेंगे। खासकर टीका जो है, वैभव जो लगातार 7 साल तक उसके साथ रहा, मेकअप रूम एक है, साथ में सो रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत अजीब सी दुखद बात है यार। ये तो अब समय ही धीरे धीरे, स्मृतियाँ तो नहीं जाएंगी लेकिन धीरे धीरे ही होगा, ये बहुत बड़ा खालीपन है। See, I have nothing more to say because Dipesh was a very good, he was like a friend. It was like, it's been very less time since I've been on sets, but Dipesh was one of those who was like really close to me. वो जब भी मुझे मिलता था, like कहीं भी रहे, दूर से भी, भाभी जी करके आके, you know, he used to always shake hands. कुछ भी सिचुएशन हो, कहीं से भी आके शेक हैंड करके जाता था। मतलब जब सुना तो like everyone, I was really shocked. And I couldn't believe, उस दिन मेरा उसका साथ में सीन लगा था, लाइक वी वर सपोज टू शूट टुगेदर, एंड वन डे प्रायर वी वर शूटिंग टुगेदर, सो इट्स शॉकिंग एंड रियली वेरी वेरी सैड, एंड आई डोंट नो व्हाट टू सीन एनी मोर। देखिए, उस दिन हम सबका कॉल 1 बजे का कॉल टाइम था, शूट पर हमें 1 बजे जाना था, तो सुबह 8 बजे मेरे पास टीका जो बनते हैं वैभव भाई का कॉल आया कि सलीम हम बर्बाद हो गए। मैंने क्या हुआ भाई, बोले यार दीपेश हम सबको छोड़ के चला गया। मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, बोले हाँ अभी शुभांगी जी जो यहाँ रहती हैं अंगूरी जी, उन्होंने बताया। हम आनंद फानंद में वहाँ से भागे तो भक्ति विदान पहुँचे, वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ नो मोर। बस यकीन मानिए कि पैरों तले ज़मीन निकल गई, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। फिटनेस पे बहुत ध्यान, और हमें खुद गुरु सिखाता था, क्योंकि हम लोग बड़े हैं उससे, उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो हम लोगों को बोला करता था कि देखो सीरियल अभी 8वें साल में गया ना, हाँ अभी 14 साल होना मांगता है, ऐसे बोलता था। तो आप फिट रहिए, पेट निकल रहा आपका, बार बार पेट पे मारता था मेरे, और अपने पेट शर्ट ऐसे उठा के कहता देखो 6 एब्स, ये देखो। मुझे उससे जब हुआ तो दोपहर में मेरे पास न्यूज़ आई, मुझे रोहित जी का फ़ोन आया कि तुम्हें पता चला, मुझे लगा मुझे नहीं पता कुछ भी, जब उन्होंने बताया तो मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाई, इट वॉज रियली रियली शॉकिंग एंड इट वॉज रियली सैडनिंग फॉर ईच ऑफ अस। आई थिंक सब लोग उसी शॉक से गुजर रहा है, इतना यंग, इतना जॉली, इतना इतना टैलेंटेड, इतना हेल्दी, लाइक वो सब कुछ था, ही हैड एवरीथिंग, लाइक वो ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, कोई भी ऐप नहीं था उसमें। सबसे बड़ी बात, आजकल ज़िंदगी इतनी अनप्रडिक्टेबल हो गई है ये सब के बाद, तो क्या बोले मिस चीज। डॉक्टर को तो मौका ही नहीं मिला, मतलब जब खेल रहे थे, खेल के टाइम ही
मतलब जैसा कि उनके साथी खिलाड़ियों ने कहा कि एक ओवर किया उसके बाद कैप उठाने के लिए झुके और बस उसी टाइम बॉडी जो थी कॉलेप्स मतलब गिर गए नीचे, फिर आनन फानन उन्हें लेके गए, तब तक चटपट कहानी ख़त्म। मिस मैं समझता हूँ कि मैंने शायद जितना पिछले 6 साल में हम तीनों ने साथ में खाना खाया, इतना हम तीनों ने अपनी बीवियों के साथ भी खाना नहीं खाया होगा। महीने में 20 दिन साथ में रहना, एक साथ मतलब जो भी सीन हो साथ में सीन होना, एक लोकेशन एक वक्त, मतलब पता नहीं। अब बस सब्र दे मुझे भी और उनके घर वालों को भी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे इंसान थे और नेक दिल थे और सबकी मदद करने वाले और ज़िंदा दिल इंसान थे। मिलना और हंसना खेलना मस्ती करना इम्प्रोवाइज़ करना सबके साथ मिलजुल कर चलना, ये उनके अंदर काबिलियत थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे। इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी करता था, मतलब जैसे सीन में कोई चीज़ अपनी तरफ से जोड़ दी, मतलब वो राइटर ने नहीं लिखी लेकिन अपनी तरफ से जोड़ दी, तो वो एक अलग ही सीन को मोड़ दे देता था। उसमें लगता था अरे यार ये रख लो, ये लो आम आदमी बहुत पसंद करेगा, और वो क्लिक होता था जोक हमेशा। और वो हमको भी बोलता था, आसिफ भाई को भी बोलता था, और कई बार जब हम कहते थे नहीं यार ये मज़ा नहीं आया, तो कहता कोई बात नहीं अगली बार बिकेगा, इस बार छोड़ देते हैं। मतलब कहता मैं बेचता हूँ, जोक बेचता हूँ, तो बाकायदा से बोलता था। टाइमिंग सेंस बहुत अच्छी थी कॉमेडी की, बहुत अच्छी टाइमिंग सेंस थी, और ख़ासकर भाषा की बहुत समझ थी। जो टिपिकल कनपुरिया भाषा बोली जाती है ना, उसकी बहुत सेंस थी उसको। जैसे कुछ शब्द इस्तेमाल करना, अरी मुरी मैया, ये उसने अपनी तरफ से ही किया था, ये राइटर ने नहीं लिखा था। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ देना। आई वॉज नंब, आई जस्ट कुडंट टॉक। मैं थोड़ी देर के लिए मैं तो चुप हो गई थी, मतलब मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि हुआ क्या। आई कुडंट से एनीथिंग लाइक लिटरली, बिकॉज अभी मैं उस लड़के के साथ कल शूट कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स घर वालों को ही बोला, एंड घर वालों ने सबसे पहले मुझे वो किया कि ठीक है जस्ट थोड़ा अपने आप को कंपोज करो, एंड देन सो आई डेंट नो व्हाट टू से, क्योंकि इतना मैं इनकी इसकी फैमिली को नहीं जानती थी। मैं कुछ महीने से सेट पे थी, लेकिन ये इतना क्लोज था, ये इनफैक्ट सभी लोग TMT के इनके रूम में जाते थे। मैं 2 दिन पहले जाके इनको बोल रही थी कि मैं चलो हम लोग कुछ बनाते हैं साथ में, हम लोग कुछ यूट्यूब पे ये करते हैं, एंड ही वॉज गिविंग मी आइडियाज़।